इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लॉफ्टेड कट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। यह मॉडल हमने लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड की मदद से बनाया था। आज हम इसमें लॉफ्टेड कट सीखेंगे। लॉफ्टेड कट के लिए दो या दो से अधिक स्केच करके लॉफ्टेड कट से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन सारे प्लेन को शो कर लेंगे, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए और शो करें। अब हम सारे प्लेन पे स्केच करेंगे अपने डिजाइन शेप रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच। यहाँ पे हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। अब प्लेन वन पे स्केच करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। यहाँ पे हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। अब प्लेन टू पे स्केच करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। अब प्लेन थर्ड पे हम स्केच करेंगे। यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए और प्लेन फोर पे स्केच करेंगे, नॉर्मल व्यू। एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। इन सारे प्लेन को हाइड कीजिए, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए और हाइड। लॉफ्टेड कट यूज करेंगे, तो फ्यूचर्स लॉफ्टेड कट। प्रोफाइल्स में आपको स्केच सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने लॉफ्टेड बॉस बेस में सीखा था। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं एक एक करके। दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ओके कीजिए। तो ये देखिए, ये लॉफ्टेड कट हो गया। सेक्शन व्यू से देखिए, देखिए कितना प्यारा सा कट हो गया। लॉफ्टेड कट में हम थिन फीचर भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए थिन फीचर यूज करते हैं। कट लॉफ्ट वन को डिलीट कीजिए। फ्यूचर्स लॉफ्टेड कट, प्रोफाइल में सेलेक्ट कीजिए स्केच। नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और यहाँ पे थिन फीचर दिया गया है। थिन फीचर एक्टिव करने के लिए इस बॉक्स में क्लिक करें। तो थिन फीचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वन डायरेक्शन में थिकनेस 2 mm एंटर।
ओके ओके। तो ये देखिए, लॉफ्टेड कट थीन फीचर अप्लाई हो गया। हम इसमें गाइड कर्व से भी यूज कर सकते हैं, कट लॉफ थीन वन को डिलीट कीजिए। गाइड कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, फ्रंट प्लेन। ओके, फ्रंट प्लेन, स्केच, नॉर्मल व्यू, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए सारे स्केच। कन्वर्ट एंटिटीज, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए सारे स्केच। और कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके, स्प्लाइन कमांड की मदद से एक स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइड कर्व सम दोनों साइड यूज करेंगे ब्यूटीफुल लुक के लिए, तो हम इसे मिरर कर लेंगे। तो पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिरर सेलेक्ट कीजिए, स्केच और मिरर अबाउट, ये सेंटर लाइन। एग्जिट स्केच कीजिए, फ्यूचर्स लॉफ्टेड कट, प्रोफाइल्स में सेलेक्ट कीजिए स्केच, और गाइड कर्व्स में ओके। और ये दूसरा गाइड कर्व्स, ओके ओके कीजिए। तो ये देखिए, गाइड कर्व्स के थ्रू ये लॉफ्टेड कट हुआ है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यह था लॉफ्टेड कट, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।